back to my channel pages by Sakshi Patel. My name is Sakshi and today we are discussing all the important questions and doubts that you have asked me. I have put in the community tab that yes, you have to ask me whatever questions you have to ask, sociology doubts, you can ask me. Okay, so you have asked me many questions, but I am not all of them, but some similar questions I am giving them. And we make a tradition that every Saturday, आपको मुझसे जो कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस हैशटैग आस्क साक्षी लगा दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, आप नीचे लिख सकते हैं. ओके, सो द नंबर वन क्वेश्चन इज फ्रॉम श्वेता रायकर. हाय श्वेता, हाउ आर यू? सो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फेनोमेनोलॉजी जो है ये एडमंड हसल ने चालू किया है या फिर से अल्फ्रेड स्यूज ने चालू किया है. तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगी कि सबसे पहले इसे एडमंड हसल ने चालू किया और उसके बाद में बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट थे जिसमें से एक थे अल्फ्रेड स्यूज, जिन्होंने इसको बहुत एक्सपैंड किया, लेकिन द फर्स्ट वन इज एडमंड हसल. ओके, सो नंबर टू क्वेश्चन इज फ्रॉम स्नेहल गोडपड़े. हाय स्नेहल, हाउ आर यू? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टैलकॉट पार्सन्स ने भी सोशल एक्शन की थ्योरी दी है और मैक्स वेबर ने भी सोशल एक्शन की थ्योरी दी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है. तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो, मैक्स वेबर क्या है ना, ये टैलकॉट पार्सन्स जो है ये इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है. जब टैलकॉट पार्सन्स जो है, मैक्स वेबर की तब तक डेथ हो चुकी थी, ठीक है? तो जैसे कि टैलकॉट पार्सन्स क्या करते थे कि इनकी जो वाइफ है मैक्स वेबर की, ये इनके जितने भी थ्योरीज हैं वो फ्रेंच में लिखे हुए रहते थे, तो उनको जाकर प्रेजेंट करती थी, सेमिनार्स जैसा होते थे, और उस सेमिनार पर बैठकर सुनते थे हमारे टैलकॉट पार्सन्स. ओके, टैलकॉट पार्सन्स जब वहां पर बैठकर सुनते थे तो बहुत इन्फ्लुएंस होते थे और सारी बातें मैक्स वेबर की ही उसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके, और जैसे कि ये अमेरिकन थे और मैक्स वेबर क्या थे, फ्रेंच थे, ठीक है? तो उनकी बातों को एक्सपैंड कर इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम टैलकॉट पार्सन ने किया है. तो डिफरेंस कुछ ऐसा है सोशल एक्शन के बीच में कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैक्स वेबर है ये थोड़ी सी माइक्रो सोशियोलॉजी की बात करते हैं. माइक्रो सोशियोलॉजी क्या होती है कि जब आप इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हो कि इंडिविजुअल इज एवरीथिंग, ठीक है? और मैक्रो सोशियोलॉजी ये होता है कि जब सोसाइटी इज एवरीथिंग, सोसाइटी जो है यही हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, इस चीज को बोलते हैं मैक्रो. ओके, लेकिन जो टैलकॉट पार्सन्स है ये दोनों की बातें करते हैं, ठीक है? डर्खाइम वो थे जो कि सिर्फ मैक्रो मैक्रो करते थे, और जो आपके ये मैक्स वेबर है ये सब माइक्रो माइक्रो कर रहे हैं, लेकिन टैलकॉट पार्सन्स बीच में आ रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं भैया, मैक्रो भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो भी इंपॉर्टेंट है. मैक्रो जो है ये माइक्रो को इफेक्ट करता है और जो माइक्रो है ये मैक्रो को करता है. मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है ना, सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है. तो यही कुछ खास डिफरेंस है दोनों के बीच में. और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि देखो, सबसे पहला जो चीज है मैक्स वेबर का कहना है कि ना, सोशल एक्शन जो है ये तब सोशल एक्शन कहलाएगा जब वो चीज हमारा कोई मोटिव है उसके पीछे. जैसे कि सपोज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, ठीक है? मेरा मोटिव है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आनी चाहिए, और आप लोग का मोटिव क्या है कि हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट स्पैन में कहीं से भी नोट्स मिल जाए और जल्दी से तुरंत समझ में आ जाए. तो ये मोटिव होना चाहिए, सोशल एक्शन तभी कहलाएगा. दूसरा, इन्होंने कहा था ओरिएंटेड होना चाहिए किसी और के तरफ. जैसे कि सपोज मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं रिवीजन कर रही हूं, तो ये तो मैं खुद के लिए कर रही हूं ना, तो इसमें ये सोशल एक्शन नहीं कहलाएगा. मैं एक्शन कर रही हूं लेकिन ये सोशल एक्शन नहीं है. लेकिन सपोज कि अगर मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं तो आप लोग मेरे साथ मेंटली प्रेजेंट हो, ठीक है? हो सकता है फिजिकली प्रेजेंट ना हो. अगर मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती तो आप मेरे साथ फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन अभी तो मेंटली प्रेजेंट हो ना, तो इस चीज को सोशल एक्शन कहेंगे जब मैं दूसरों को इफेक्ट कर रही हूं. तो ये मैक्स वेबर का कहना था. लेकिन टैलकॉट पार्सन क्या है ना, टैलकॉट पार्सन ने थोड़ा सा इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बोल दिया. उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकली, मतलब कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट दे दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा बायोलॉजी बायोलॉजी वाले पढ़े हुए थे. तो उनका कहना था कि ना देखो, कि अगर किसी में एनर्जी नहीं है ना, तो उसे सोशल एक्शन नहीं कह सकते. दूसरा, उन्होंने वैल्यू एस्पेक्ट दे दिया. वैल्यू एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई लड़की आई है आपके घर में, ठीक है? आपके घर में आई है, आपके कंप्यूटर पे वायरस आ गया है, और आपको बन नहीं रहा है कि किस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो क्योंकि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है. तो आपने उस लड़की से पूछा कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो. लड़की ने हेल्प कर दिया और कंप्यूटर बन गया.
अब आपके दिमाग में आ रहा है कि वाओ यार, तो आपने उसको बोला वाओ ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, हैंड्स अप किया और ऐसा थम्स अप वगैरह करके अच्छी बातें कर दी, तो ये कुछ अच्छी बातें आपने की, इसको सोशल एक्शन कहते हैं। लेकिन ना आपके दिमाग में आ रहा था कि उसे मैं हक करके बोलूं यार तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में आया कि नहीं, सोसाइटी के हिसाब से ये सारी चीजें गलत है, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एस्पेक्ट। तो यही देखो, वो इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं, वो सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं, तो मतलब मैक्रो और माइक्रो दोनों। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रही हूं, इतना लंबा मैंने बताया पर यही था कुछ डिफरेंस। ओके, सो नंबर 3 इज फ्रॉम अब्दुल्ला एहसान। ओके, अब्दुल्ला एहसान कहते हैं कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का मतलब बताओ। तो ये तो मैंने काफी बार बताया लेकिन मैं बता दूं, देखो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या होता है, सपोज कि मेरी बातें आपको क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपको हिंदी समझ में आती है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो आपको इंग्लिश में समझ में आएगी क्योंकि आपको वो चीज आती है, लेकिन अगर मैं किसी और ही भाषा में बोलने लग जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कि मेरे सिंबल्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इसी को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहते हैं बाय GH मीड। ओके, नंबर 4 इज फ्रॉम गीज। हाय गीज, हाउ आर यू? ओके, वेल इट्स अ लिटल, ओके चलो जैसा भी नाम है गीज। व्हाट्स द थ्योरी ऑफ मैनुअल कैशल्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। देखो मैनुअल कैशल्स जो है ना, ये काफी स्पैनिश है और ये बातें करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, इंफॉर्मेशन की और ऐसी ऐसी चीजों की जो कि अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन, नॉट एग्जैक्टली मॉडर्नाइजेशन बट कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजों से रिलेटेड है। और बस हाँ, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट कि ये कौन कौन सी थ्योरी है इनकी, और दूसरा कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया। ओके, सो द नंबर 5 क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिंशु मिश्रा। हाय प्रिंशु मिश्रा, हाउ आर यू? व्हाट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी? देखो ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ग्रास रूट आ रहा है तो आपको ये समझना है कि कोई चीज अगर बॉटम से निकल के आ रही है दैट इज ग्रास रूट, एंड डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो जब पॉलिटिकल प्रोसेस ना कोई लोकल लोग कर रहे हैं, कोई लोकल कम्युनिटी कर रही है रादर दैन दी बिग पॉलिटिकल पार्टीज, सारे जो पावर्स है किसी लोकल के पास है, उसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। या सो दिस इज ऑल अबाउट इट, सॉरी दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कॉमेंट्स करके बताओ कि वो कौन कौन से और क्वेश्चन है जो कि आप चाहते हो, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, बस हैशटैग आस्क साक्षी जरूर लगा देना ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। और या दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।